हमारी ये TYDA की मीटिंग है और कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन का हिस्सा है आज की मीटिंग, जिसमें कुछ एकेडमिक लेक्चर हुए हैं, जैसा कि कुछ ऑर्थोपेडिशियन ने बताया कि किसी की जॉइंट की पुरानी समस्या है तो उसको कैसे दवाई से ठीक कर सकते हैं और कैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट से बचा सकते हैं। कुछ चर्चा आज के ज़माने की है कि हम जैसे समय बदल रहा है, हमारे अस्पताल बदल रहे हैं, हमें अस्पताल को कैसे अपग्रेड करना चाहिए और आज के ज़माने के अनुसार कैसे बदलना चाहिए, इस पर चर्चा हुई। जैसे नई TPA आ रहे हैं, नया कैशलेस आ रहा है, आज का सिस्टम बदल रहा है, तो हमें कैसे आपको बदलना चाहिए ज़माने के अनुसार और कैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल आपको अपडेट करना चाहिए, इस पर चर्चा हुई है। उस पर मैंने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया। इसके अलावा डॉक्टर अरविंद यादव ने इस विषय पर अपना प्रेजेंटेशन दिया कि हम डॉक्टर्स जो नए नए ट्रेंड आ रहे हैं या जो नया चेंज आ रहा है हेल्थ सर्विसेज में, उसके साथ हम अपने आप को कैसे साथ में मिलकर चल सकते हैं, हमें अपनी अप्रोच में क्या परिवर्तन करना चाहिए कि हम समय के साथ चल सकें, इस विषय पर उन्होंने अपना टॉपिक दिया, उस पर डिस्कशन हुआ। और तीसरा टॉपिक डॉक्टर शशिपाल सढ़ाना ने, उनका था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में रीजनरेटिव थेरेपी के माध्यम से कैसे हम उनका मरीजों का दर्द कम कर सकते हैं बिना किसी ऑपरेशन के। ट्रांसजेंडर डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य आपसी टुगेदरनेस थी, सभी लोगों का आपसी संभाव सद्भाव और आपसी मेल मिलाप था। उसके अलावा मेडिकल एजुकेशन ये एक बहुत बड़ी बात फील्ड है, हर टॉपिक पर हम मास्टर नहीं हो सकते। MCI भी कहती है कि हर महीने आपको अपडेट करना चाहिए। इसी टॉपिक पर डिस्कशन के लिए हमने इसी में रखी और ये ट्रांसजेंडर का प्रयास है कि हर महीने इस तरह के प्रयास हों और सभी लोग अपना मेडिकल अपडेट